एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही थी। गांव में ये था कि लेडीज डॉक्टर नहीं थी और थी नहीं गांव में, और फिर थोड़ा सा लेडीज को जेंट्स में बताने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर बता नहीं पा रही थी, इस वजह से फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम थी आप बताएंगे आप एक बार मंदिर को। हम भाई हमारे क्या बच्चे जाने के रास्ते में थोड़ी पॉजिटिव थी, मास बढ़ गया था थोड़ा, उससे आपको ब्लीडिंग की दिक्कत होती थी। हाँ, ब्लीडिंग होती थी सेक्स के दौरान, थोड़ी होती थी। एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर आप इस चीज को ध्यान दो ना, तो इंटरकोर्स के दौरान या हस्बैंड से बात करते टाइम अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको सर्वाइकल कैंसर का सबसे पहले डायग्नोसिस बनाया जाता है। ये सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि कहीं इस लेडी को बच्चेदाने के मुंह का कैंसर तो नहीं है, जिसके लिए कि आजकल टीका भी बन गया है। साल भर से था ये प्रॉब्लम, लेकिन बस हम बता नहीं पा रहे थे। अब देखो आपने इसको कितना लेट कर दिया, ये तो अपनी किस्मत अच्छी है कि आपके पॉलिप था यानी मास बढ़ा हुआ था। यदि ये कैंसर होता तो एक साल में पता नहीं कहाँ पहुँच चुका, इसलिए ये हेजिटेशन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी को भी कि भाई अपनी बीमारी को लेकर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाओ। अब लेडीज हो चाहे मेल हो, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए एटलीस्ट, ताकि बीमारी का इलाज तो हो, जो सुविधा है उसको तो अवेल करो। थोड़ा शर्माना नहीं चाहिए, थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम को खुल के बताना चाहिए, जैसे आज का टाइम इतना है कि खुल के बताना चाहिए। आज के बच्चे आते हो आपसे ज्यादा अच्छे होते हैं, वो अच्छे से अपनी बात बताते हैं, कि अपनी प्रॉब्लम अच्छे से बतानी चाहिए तभी इस समस्या का समाधान होता है। अब जिस ना ऑपरेशन को लेकर आप सोच रहे थे कि मेरे पता नहीं क्या होगा, तो वो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा कल शाम को आपका ऑपरेशन हुआ अभी सुबह के 10 बजे? बहुत अच्छा रहा, तो जो डर रहे थे काफी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। आप भी बताओ, इनको जो डर लग रहा था मैं, वो जब इन्होंने करवाया आपके बारे में, तब हमने पूछा तो बोले नहीं भाभी कुछ भी नहीं, मैं जितना डर रही थी ना उससे मतलब ऐसे लगा ही नहीं मुझे मेरा कुछ भाभी है, बहुत वैसे अच्छा लगा कि बात। तो डरने के कारण अपन इलाज ही नहीं करा पाते हैं अपना, तो वो नहीं ऐसे डरना नहीं चाहिए ना, इलाज करा लेना चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा था चलो दीदी मैं दिखा ही आती हूँ, फिर इन्होंने कहा पता नहीं मैं कैसे बताऊँ। नहीं नहीं, सुन शर्माने की कोई बात नहीं, बीमारी है ये तो किसी भी प्रकार की, किसी भी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह किया है, वो था पेशेंट को कोऑपरेट बहुत अच्छी तरह करते थे, उनका भय भी निकल गया। देखो हमारे लिए तो मुमकिन है, आप लोगों को शर्माना लगता है, हमारा तो काम है नहीं कोऑपरेट, वो कहते हैं ना आपने कोऑपरेट बहुत अच्छी तरह किया है इनका ट्रीटमेंट।